हैं राधिका जी, देवा बड़ा बेटा है, निक्की छोटा। दोनों के बीच में एक बेटी है आशी। एक बेचारा पति है स्वामी, जो लॉकडाउन के एक दिन पहले ही अपनी कोरोना पीड़िता माता जी की सेवा करने अपने मायके गया था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण अपने बीबी बच्चों से बिछड़कर माता जी को काढ़ा पिलाते पिलाते वहीं धुनी जमाने को मजबूर हो गया। बेचारी राधिका अकेली जान, घर गृहस्थी का काम, बच्चों की सेवा, स्वयं की सेवा, नाते रिश्तेदारों की टेंशन, लफड़े ही लफड़े हैं जान को। देवा, ओ देवा। हाँ मम्मी, आया। अरे देवे, इधर नहीं, इधर शनि की दिशा है। अरे माता जी, आपकी यहाँ पे शनि की दिशा, यहाँ पे राहु की दिशा, मैं बैठू कहाँ? चलो बैठता ही नहीं, आप बताओ काम क्या था? वो राशन की दुकान से राशन ले आ जाके, ये तो राशन कार्ड आखिरी दिन है, राशन नहीं मिलेगा। और टाइम पास राशन, जैसे 20 किलो गेहूँ में 10 किलो मिट्टी और 5 किलो घास के बीज मिलते हैं, वो घास के बीज आते कहाँ से? जंगल से, और कहाँ से, जल्द ले आ जाके, नहीं तो फिर राशन नहीं मिलेगा, राशन की दुकान बंद कर देगा राशन वाला। चलो ठीक है, जाता हूँ मैं लेकर। कोरोना से बचे हुए लोगों के लिए सरकार ने केवल 2 माह का राशन मुफ्त देने का ऐलान किया है, जबकि लॉकडाउन तो अभी पूरे साल खत्म होने वाला नहीं है। दादी 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 दादी। ले आए राशन बेटा, चावल मिला? नहीं, लोग बता रहे थे कि चावल बड़ा अच्छा है, खुशबूदार चावल है, लेकिन राशन वालों ने उसको ब्लैक कर दिया, दिया ही नहीं, केवल गेहूँ दे दिए। टीवी में तो बाबा बता रहा था कि चना भी मिलेगा, चना मिला? इकबाल बता रहा था कि 2 ट्रक चना आया था, उसमें से वो जो दोनों ट्रक थे उन दोनों को आगे पहुंचा दिया होलसेलर के पास। कौन इकबाल? वही मैनपुरी तम्बाकू वाला, जिसकी दुकान है राशन वाले के बगल में। आशी, आशी बेटा, आई मम्मी। देवा राशन लेके आया, बोरी कहाँ रखती है? वहीं बाहर बरामदे में। मम्मी एक काम करना, गेहूँ धोने से पहले लोटा थाली चम्मच सब में पानी भर के रख लेना, वरना 500 लीटर की टंकी गेहूँ धोने के चक्कर में सब खलास हो जाएगी। सोचने के लिए अखबार का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर से, अंग्रेजों की तरह। फिर सारे दिन टेंशन अलग बनी रहेगी, साला कुछ रह गया रह गया। ये सरकारें भी ना, चाहे बाबा की सरकार हो चाहे खेसरी लाल की, बस सड़ा गला गेहूँ बेच दो, जनता को दे दो और खाली पीली बाबा ही लूट लो, यही रह गया है बस। वैसे एक बात कहें मम्मी। क्या? ये गेहूँ है ना, टाइम पास बड़ा अच्छा है। पूरा महीना लग गया था मुझे आपको और पापा जी को गेहूँ साफ करने में। पहले गेहूँ धो, फिर एक हफ्ता सुखाओ, फिर छानो, फिर बीनो, फिर बचा कुचा 7-8 किलो गेहूँ पिसवाने भेजो। वाह क्या बात है, वैसे गेम तो अच्छा है। गेम अच्छा है, जो काम करता है ना उसे समझ में आता है बेटा। मैंने भी तो मदद कराई थी गेहूँ साफ करने में। चलो मैं नहा लेती हूँ। वैसे क्या बना रही हो नाश्ते में? आलू की सब्जी और पराठे। क्या मम्मी, कल भी तो वही बनाए थे। क्या बनाऊँ, घर में कुछ है ही नहीं। तुम्हारा बाप तो बैठ गया जाके अपनी अम्मा का दूध पीने के लिए, वहाँ पे ATM भी लेके चला गया। यहाँ कोई खजाना गड़ा हुआ है, नोटों का पेड़ लगा हुआ है, हिलाया और पैसे हो गए। कम से कम अपने बीवी बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं है, कम से कम निकाल के ही रख के चले जाते। राशन फ्री तो मिल ही रहा है ना। हाँ, खाली गेहूँ चबा लो, और किसी चीज की जरूरत तो है ही नहीं। ये नेता भी ना जैसे खाली गेहूँ ही खाते होंगे, वही देते हैं केवल जनता को। मम्मी साबुन नहीं है, दे दीजिए। जा बाहर से मिट्टी खोद के ले आ और रगड़ के नहा ले। क्या क्या मम्मी, दे दीजिए ना। खत्म हो गया, समझ में नहीं आता क्या एक बार में? ठीक है, ऐसे ही नहा लेती हूँ। राधे राधे जब चले आएंगे मुरारी, राधे 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 जब चले आएंगे। कन्हैया आपसे उधार ले रही हूँ।
वापस कर दूंगी आपको। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा कलिया। निक्की, ए निक्की, आया हुआ। ले, ये 200 का नोट दे रही हूँ, 100 ग्राम हल्दी और एक नमक का पैकेट लेके आ जा लाला के यहाँ से। ठीक है माँ, ये लो माँ। ले आया? हाँ। ये क्या, सिर्फ 60 रुपए, बाकी के पैसे? माँ, लाला के पास 100 रुपए नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये लॉटरी का टिकट दे दिया। देखो देखो माँ, 3 करोड़ का फर्स्ट प्राइज। कन्हैया को कहना नंबर लगवा दे, मेहनत करना सीखो। दीदी, कान्हा कहते हैं कि कर्म किया जा फल की इच्छा ना कर। फल पता होगा तभी तो कर्म करूंगी। 3 करोड़, सबसे पहले तो गाड़ी खरीदूंगी, फिर बड़ा सा बंगला, फिर शादी। नहीं नहीं, पहले तो डॉक्टर बनूंगी। देवा, आशी, निक्की, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आइए ना मम्मी जी। जा निक्की, मम्मी के साथ नाश्ता ले आ। दीदी, आप ही चली जाओ ना। चलो अच्छा, अपने अपने फोन बंद करो और नाश्ता करो। 200 का नोट पड़ा था कान्हा के कलश में, उधार लिया था कान्हा के, उसमें भी बस अब 60 रुपए ही बचे हैं। घर का सारा सामान भी अंतिम सांसें ले रहा है। साबुन भी नहीं है मम्मी। हाँ हाँ पता है, सभी सामान खत्म हो रहा है। फोन का रिचार्ज भी खत्म हो गया माँ, कल खत्म हो जाएंगे। पता नहीं कितनों की जान लेके जाएगा ये लॉकडाउन, कब खत्म होगा। टीवी खोलूँ माँ, देखो कितने लोग मरे अब तक। नहीं नहीं, टीवी ऑन न करना, जी घबराता है, बस लाशें ही लाशें दिखाते हैं न्यूज में और कुछ भी नहीं। चाय भी लो मम्मी। टेंशन ना करो माँ, कान्हा सब देखते हैं। हाँ हाँ बेटा पता है, कान्हा सब देखते हैं। देवा जरा फोन करना पापा को, देखो आने का इरादा है भी कि अभी वहीं पे ही धुनी जमा के बैठे हैं रहेंगे। करता हूँ। अरे आप भी ना मम्मी, अभी लॉकडाउन है, अभी कैसे आएंगे इतनी दूर से। स्पीकर पे रख दिया मैंने। प्रिय आइडिया उपभोक्ता, आपकी आउटगोइंग वैलिडिटी खत्म हो गया बैलेंस अभी से। निक्की नहा लो, कपड़े धुलने हैं। अभी नहाता हूँ माँ, बस 2 मिनट। मम्मी भूख लगी है, तेरा भेजा खा लो। मैं नॉनवेज नहीं खाती। अभी भेज कुछ नहीं है। मम्मी पैसे दीजिए, भूख लगी है, ब्रेड मंगाऊंगी। लॉकडाउन में शांति से घर में बैठी है, अभी तो नाश्ता किया था, बड़ी जल्दी भूख लगाई। अभी अभी तो 3 बजे है माँ, नाश्ता 11 बजे किया था। क्या 3 बज गए, अभी तो कपड़े भी नहीं धुले। आप हमेशा इतनी परेशान क्यों रहती हो मम्मी। परेशान ना हो तो क्या डांस करो। हाय हाय मम्मी, क्या बात है, क्या बात है माँ। एक बार जरा ठुमका लगाओ ना दीदी, ढोल बजाओ ना। हाँ हाँ, बस मम्मी ज्यादा टेंशन ना लिया करे, 1 महीने की बात है, फिर तो हम लोग करोड़पति होंगे। दीदी कौन सी गाड़ी लोगे सबसे पहले। बड़ी गाड़ी लेंगे। मैं तो सबसे पहले। मम्मी सो रही है, चलो हम लोग दूसरे कमरे में चलते हैं। चलो। क्या आशी, निक्की और देवा के सपने लॉटरी से पूरे होंगे? क्या लॉटरी का नंबर लगेगा? ये सब जानने के लिए देखना ना भूलें लॉटरी पार्ट 2। कान्हा को आना ही होगा, सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। के छोटे 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 गोलगप्पे, इन्हें पाने के लिए अभी जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल आस्था के आंसू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई नया गोलगप्पा हम फोड़ेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। और फिर क्या, हंसने के लिए तैयार हो जाइए आस्था के आंसू के साथ।